नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं वायरल सच। भाजपा नेता नवीन गोयल ने अपना जन्मदिन सामाजिक व धार्मिक कार्यक्रम के साथ मनाया। सेक्टर 9 स्थित गौशाला में नवीन गोयल ने हवन पूजन कर गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। उसके बाद बंदवाड़ी स्थित समाज सेवी संस्था द अर्थ सेवियर फाउंडेशन में पहुंचकर चिकित्सा शिविर के माध्यम से जरूरतमंद लोगों की सेवा की। इस मौके पर डॉक्टर डीपी गोयल, गगन गोयल, अभिषेक अरोड़ा, अजय शर्मा व अनेक लोग उपस्थित रहे। मीडिया से बात करते हुए नवीन गोयल ने कहा कि हमें सभी लोगों को मिलकर गुरुग्राम के विकास और सौंदर्यकरण के लिए काम करना होगा। मेरे सभी मित्रों की, मेरे सभी साथियों की आज मुझे सुबह से बहुत शुभकामनाएं मिल रही हैं और उनके सभी के प्यार और आशीर्वाद की बदौलत मैं आज सब जो कुछ भी उनके बदौलत हूँ। और हमने मिलकर के गुरुग्राम के लिए विकास करना है और काम करना है, कमज़ोर आदमी को अपने बराबर खड़ा करना है। आज हमारा गौशाला कहते हैं ना कि हमारे हिंदू धर्म में गौ माता का बहुत ज़्यादा महत्व है। मैं तो आपके माध्यम से कहना भी चाहता हूँ कि हर आदमी अपने जन्मदिन पर, एनिवर्सरी पर एक बार जरूर से जरूर आए, गौ माता का चारा डाले और जो अपने श्रद्धा अनुसार यहाँ पे दान कर सके, तो बहुत ज़्यादा महत्व है हमारे हिंदू धर्म में। इसके बाद हमारी बंदवाड़ी जो अर्थ सेवियर के नाम से रवि कालरा जी की एक फाउंडेशन है, जहाँ पर विकलांग लोगों का और बेसहारा लोगों का, वो मैं कहता हूँ कि सही मायने में कर्मयोगी हैं वो। तो मेरा वहाँ पे जा करके वहाँ पे कैंप लगाया हमने, मेडिकल कैंप, और वहाँ पे सभी को चेकअप करेंगे और साथ में फल वितरण करने का कार्यक्रम है। तो आपके माध्यम से मेरे सभी दोस्तों को मैं शुक्र अदा करना चाहता हूँ। देखिए, मेरा तो पूरा जीवन इस गुरुग्राम के लोगों के लिए समर्पित है और ये परंतु पहले ही ले लिया था। उसमें ये है कि और अच्छे तरीके से प्लांड वे से सभी को साथ लेकर के, 36 बिरादरी को साथ लेकर के सभी एरिया की समस्याओं को देखते हुए उस पर प्रॉपर तरीके से काम करेंगे। सरकार हमारी बहुत अच्छा काम कर रही है, अधिकारियों के साथ मिलकर के उसकी रूपरेखा बनाएंगे और सही ज़रूरतमंद आदमी को उसका फ़ायदा मिल सके, अंत्य उदय के कहते हैं ना, जो अंतिम व्यक्ति तक, उसके लिए हम पूरा काम करेंगे। और साथ ही हमारी एक प्रयास रहेगा कि हम बहुत जल्दी एक ब्लड बैंक भी हम खोलने के प्रयास करेंगे, ऐसी कुछ हमारी प्रयास है। और साथ साथ एक एम्बुलेंस हम नई बहुत जल्दी लेकर के आने वाले हैं कैनवीन फाउंडेशन में, ताकि गुरुग्राम के लोगों को बहुत ज़्यादा और ज़्यादा स्वास्थ्य लाभ मिल ही रहा है और ज़्यादा हम ज़्यादा से ज़्यादा उसकी सेवाएं दे सकें। मैं तो आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि गुरुग्राम शहर आप सबका, हम सबका अपना शहर है। छोटी छोटी चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। नंबर एक, सफाई। अगर हम अपने आसपास 50 फुट का एरिया भी अपना साफ कर लेंगे तो मैं कहता हूँ कि हमारा गुरुग्राम साफ हो जाएगा। नंबर दो, पानी। आज हमारा वाटर लेवल बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है, हमें इस पानी के लेवल को बचाना है ताकि हमारा शहर आने वाले टाइम में बच सके। नहीं तो इस जिस हिसाब से वाटर लेवल नीचे जा रहा है तो बहुत बड़ी समस्या है, मैं कहता हूँ कि आने वाले टाइम में खड़ी हो जाएगी। और नंबर तीन, मैं कहना चाहता हूँ ये प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें, कपड़े के थैलों का इस्तेमाल करें। और नंबर चार, दो पौधे हर एक वर्ष, हर आदमी दो पौधे लगाए और उसको अपने बच्चों की तरफ पाले। ये चार मैं मैसेज आपके माध्यम से देना चाहता हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें, इसके अंदर कोई भी, मैं कहता हूँ कि बड़ा कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी आदतों को सुधारने की ज़रूरत है और छोटा छोटा इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। तो मेरा तो ये मानना है कि इन चार चीज़ों के लिए, ये किसी के लिए असंभव चीज़ें नहीं है, चाहे कोई मजदूर हो, चाहे कोई कर्मचारी हो, चाहे कोई व्यापारी हो, चाहे कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में हो, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में हो, मतलब सबके लिए, हमारे लिए, आप भी इसमें आ गए, मीडिया के लोग भी, सबको ये चार काम मैं मानता हूँ करने चाहिए ताकि हमारा गुरुग्राम शहर हम सही मायने में आज मिलेनियम सिटी, साइबर सिटी कहने के लायक हो सके। इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच, और अपने चैनल वायरल सच को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।